स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था चैप्टर 4 कीपिंग क्लीन। कीपिंग क्लीन मतलब क्या होता है, अपने आप को क्लीन कैसे रखना है ना। तो हमने बताया था कि क्लीन कैसे रखना है, ब्रश करना है, 2 टाइम ब्रश करना है, एवरीडे बाथ, रोज नहाना है, फिर आपको जो है खाने से पहले, खाने के बाद हैंड वॉश करना है ना, अपने नोज़ को हैंकरचीफ से साफ करना है, ईयर को ईयरबड से साफ करना है। इस तरह से हमें अपने आप को क्या रखना है, क्लीन रखना है। तो उसके बाद देखो एक्टिविटी टाइम आता है, टिक द थिंग्स यू नीड टू कीप योर बॉडी क्लीन। इसमें जो है थिंग्स चीज़ दिए गए हैं, तो इसमें ये बोल रहा है कि इस चीज़ में तुम्हारे बॉडी को क्लीन रखने में कौन कौन हेल्प करेगा, उसमें क्या करना है हमको, टिक करना है ना। तो सोप मतलब साबुन हमारे बॉडी को क्लीन रखेगा, तो इसमें हम टिक कर देंगे। टीवी क्या क्लीन करेगा हमारे बॉडी को, तो ये क्लीन नहीं करेगा। नेल कटर करेगा है ना, नेल्स को कट करेगा तो हमारा बॉडी क्लीन होगा। वॉच तो क्लीन नहीं करेगा, बॉल भी क्लीन नहीं करेगा। कॉम्ब कंघी करता है ना, क्लीन रखेंगे। और फिर ब्रश भी हमारे टीथ को क्लीन करता है, तो ये भी हमारे बॉडी को क्लीन किया। तो हमको किस में टिक करना है, सोप में टिक करेंगे, नेल कटर में टिक करेंगे, कॉम्ब में और ब्रश में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी को क्लीन रखने में मदद करते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 2, अरेंज दिस डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लीनलीनेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, स्टार्ट विथ मॉर्निंग गिवेन द नंबर 1। सुबह से हम सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को हमें जो है लाइन से जमाना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं टॉयलेट, तो टॉयलेट से हम आके क्या करते हैं, हैंड वॉश, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंड वॉश। तो हमें सबसे पहले 1 नंबर इसमें कर देना है हैंड वॉश। उसके बाद क्या करते हैं, टॉयलेट से आके ब्रश करते हैं, तो ये 2 नंबर में ये काम करेंगे। फिर 3 नंबर में क्या कर लेंगे हम, बाथ मतलब नहाना, तो इसमें डाल देंगे 3 नंबर। फिर जो है उसके बाद अपने बॉडी को टॉवेल से सुखा लेते हैं, तो ये हो गया 4 नंबर ना। तो देखोगे हमने किस में डाला है, 1st नंबर इसमें हैंड वॉश करेंगे वॉशरूम से, टॉयलेट से आके। फिर 2nd नंबर में हम ब्रश करेंगे, फिर 3rd नंबर में हम नहाएंगे, और 4 नंबर में हम टॉवेल से अपने बॉडी को क्लीन करेंगे। तो ये हो गया हमें जो है बॉडी को किस में क्लीन रख सकते हैं, कौन हेल्प करता है, और इसमें जो है हमको अरेंज करना है कि हम एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं ना। तो अरेंज हमने कर दिया है, तो एक बार जिसमें मैंने टिक किया है अपने बुक में, उसमें आप लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे।